नमस्कार रेखा पंवर्स किचन में आपका स्वागत है आज हम बिना बेक के और बिना मैदे के खस्ता पेटीज बनाने वाले हैं जो कि बिल्कुल मार्केट की तरह ही लगेंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें एक कप गेहूं का आटा डाल देंगे इसी में हम आधी छोटी चम्मच अजवाइन डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा नमक डाल देंगे हम इसमें स्वाद अनुसार और लगभग दो से तीन छोटी चम्मच ऑयल डाल देंगे सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाल करके इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे डो लगाने के बाद हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसे चिकना कर लेंगे और इसे ढक करके रख देंगे इसके बाद हमने यहाँ पर एक कप मटर लिए हैं इन्हें हम एक चोपर में डाल देंगे आप चाहे तो मिक्सी जार में भी इन्हें ग्राइंड कर सकते हैं साथ ही हम इसमें दो हरी मिर्ची ले लेंगे इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके और इन्हें भी हम चॉप कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से इन्हें हल्का सा दरदरा कर लिया है अब गैस पर हम पेन चढ़ा देंगे और इसमें दो टेबल स्पून डाल देंगे ऑयल गर्म होने पर हम इसमें एक चुटकी हिंग आधी छोटी चम्मच जीरा आधी छोटी चम्मच राई डाल देंगे राई और जीरा तड़कने लगे हैं तो अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच खड़ा धनिया साथ ही आधी छोटी चम्मच सौंफ भी डाल देंगे इसके बाद हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज का कद्दूकस किया हुआ कच्चा आलू लिया है इसे हमने पानी में डाल दिया था तो इसका सारा पानी निकाल करके इस पैन में डाल देंगे और इसे चला लेंगे इसी के साथ हम इसमें ये मटर भी डाल देंगे और दोनों को मिला लेंगे अब हम इसमें एक चौथाई छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार इन्हें एक बार फिर से मिलाकर ढक देंगे गैस की आंच हम मीडियम लो रखेंगे बीच में हम इन्हें चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके नहीं और चेक भी करते रहेंगे लगभग पाँच मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं कि मटर के दाने भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं यानी कि हमारी स्टफिंग बनकर के तैयार हो गई है तो हम इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ लेंगे इसके साथ ही आधी छोटी चम्मच हम इसमें चीनी भी डाल देंगे अगर आप खट्टा मीठा स्वाद पसंद नहीं करते हैं तो चीनी और नींबू का रस स्किप कर सकते हैं हरा धनिया डाल करके इसे मिला लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेते हैं इधर आटा भी हमारा अच्छे से सेट से हो गया है तो एक बार इसे हाथ से अच्छे से चिकना कर लेंगे और इसमें से एक छोटा सा हिस्सा तोड़कर इसकी लोई बना लेंगे रोटी की जितना हमने यहाँ पर लोई ली है, सुखे आटे में लपेटकर इसकी एक पतली रोटी बेल लेते हैं तो देखिए इस तरीके से हमने इसे पतली रोटी की तरह बेल लिया है और इसे एक प्लेट में रख देंगे इसी तरीके से हम सारी रोटियां तैयार करके प्लेट में रखते जाएंगे तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर छह रोटियां बनाई है अब हम एक कटोरी में दो छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे इसी के साथ हम इसमें चार से पांच छोटी चम्मच ऑयल डाल करके इसका पेस्ट बना लेंगे तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से इसका पेस्ट भी तैयार कर लिया है इसके बाद हम यहाँ पर एक रोटी लेकर इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट डालकर इसे चारों तरफ फैला लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा डालकर इसे फैला लेंगे और फिर से इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देंगे यही स्टेप हम दोबारा दोहराएंगे और इस तरीके से आप देखिए हम सारी रोटियों को रखते जाएंगे छह ही रोटियों को इस तरीके से रख लेने के बाद फिर से इसके ऊपर पेस्ट लगाकर आटा छिड़क देंगे और इन्हें धीरे से फोल्ड करते हुए इसका एक रोल तैयार कर लेंगे अच्छे से दबाते हुए हम इसका रोल तैयार करेंगे हल्का सा इसे हम प्रेस कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे चाकू से कट कर लेंगे साइज आप अपने हिसाब से इसकी छोटी या बड़ी कर सकते हैं यहाँ पर आपको जो लेयर्स दिख रहे हैं इसे हल्का सा प्रेस करके इसकी लोई बना लेंगे और इन्हें एक प्लेट में रख देंगे इसी तरीके से सभी को कट कर लेने के बाद फिर से हम एक लोई लेंगे और इसे आटे में लपेट कर इसकी छोटी सी एक पूड़ी तैयार कर लेंगे इसे हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे और इस तरीके से पूरी तैयार कर लेने के बाद चारों तरफ से हम इसे कट कर लेते हैं और इसे एक स्क्वायर शेप दे देंगे इसके बाद हमने जो मसाला तैयार कर रखा है उसे हम इस पर रख देंगे और फिर से दोनों किनारों पर थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा करके धीरे से फोल्ड करते हुए हम इसे चिपका लेंगे हाथों से अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि फ्राई करते समय ये खुलेगा नहीं तो आप देखिए बहुत ही सुंदर सा ये समोसा बना है कांटे की हेल्प से हम इस पर थोड़ी सी डिज़ाइन डाल देंगे जिससे ये और भी अच्छा दिखने लगेगा और इस तरीके से हमारी ये पफ पेटीज तैयार हो गई है तो चलिए अब हम इन्हें पहले फ्राई कर लेते हैं इधर कढ़ाई में भी तेल हल्का सा गर्म हो गया है तो हम इसे ऑयल में डाल देंगे और मीडियम लो फ्लेम पर हम इन्हें उलट पुलट करते हुए फ्राई कर लेंगे थोड़ी थोड़ी देर में हम इन्हें उलट पुलट करते रहेंगे ताकि दोनों तरफ से इनका कलर बहुत ही अच्छा आएगा इसी तरीके से हम दूसरा भी इसमें फ्राई करने के लिए डाल देते हैं क्योंकि कढ़ाई में काफ़ी स्पेस है और उलट पुलट करते हुए आप देखिए दोनों का कलर हल्का सा डार्क हो गया है और ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं कि पेटिस हमारी कितनी खस्ता बनी है तो गर्मा गर्म बिना बेक किए हुए बिना मैदे ये पफ पेटिस आप सभी को खिलाइए इसमें जो आपको लेयर्स दिख रही है उसी से समझ में आ रहा है कि कितना क्रिस्पी है और हमने इसमें जो खट्टी मीठी स्टफिंग डाली है इसकी वजह से ये और भी टेस्टी लगेगा तो आप इसे हरे धनी की चटनी या सॉस के साथ खाइए और सभी को खिलाइए और यदि मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू